बिजनेस आज तक में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज हम बात करेंगे महंगाई दर ने कैसे बढ़ाई आरबीआई की मुश्किल, इसके साथ ही जानेंगे बजट से पहले टैक्स घटाने के लिए क्या कर रही है सरकार, और देखेंगे घर खरीदारों को कंज्यूमर कोर्ट के नए फैसले से कैसे मिल सकती है राहत। लेकिन शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 के साथ। पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। 3 साल में सबसे कम हुई थोक महंगाई दर, अक्टूबर में महंगाई दर घटकर 0.16% पहुंची। बजट सत्र में आएगा लेबर कानून बदलने वाला बिल, 50 करोड़ कामगारों की हालत सुधारने के लिए काम करेगी सरकार। मूडीज ने इस साल फिर घटाया भारत का जीडीपी अनुमान, 5.8% से कम करके किया 5.6%। मोदी सरकार पर विदेशी निवेशकों को बड़ा भरोसा, इस साल 82,575 करोड़ का निवेश। बाद में बड़ी चीन के ऑटोमोबाइल कंपनियों की दिलचस्पी, 35,000 करोड़ का कर सकती है निवेश। जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए फिर बोली लगाई जाएगी एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी 18 नवंबर को होगी बैठक। वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने भारत छोड़ने वाले बयान पर सरकार से मांगी माफी, टेलीकॉम सेक्टर को राहत न मिलने पर भारत छोड़ने की दी थी धमकी। सोलर एनर्जी में होगा 6,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3 कंपनियों ने प्लांट बनाने के लिए भेजा प्रस्ताव। होंडा की पहली BS6 बाइक CB शाइन SP125 लॉन्च, कीमत 72,900 रुपए। रिटेल महंगाई दर में अचानक हुई बढ़ोतरी ने आरबीआई को दुविधा में डाल दिया है। आर्थिक सुस्ती के माहौल को दूर करने के लिए आरबीआई अगले महीने मॉनिटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को घटाने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब महंगाई दर के 16 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से आरबीआई के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। देश में आर्थिक सुस्ती का माहौल है। सुस्ती का सीधा रिश्ता डिमांड और खपत में कमी से होता है, यानी लोगों की जेब में पैसा ना होना और उनकी खरीदारी कम करने से अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहिए सुस्त पड़ने लगते हैं, क्योंकि लोग जब खरीदेंगे नहीं तो सामान बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो बनेगा नहीं। कारों के उत्पादन में कमी मौजूदा दौर में इसका बेहतरीन उदाहरण है। डिमांड में कमी होने से सुस्ती के माहौल में महंगाई दर भी कम हो जाती है। महंगाई का सीधा रिश्ता ही डिमांड कम ज्यादा होने से है, वो चाहे उत्पादन में कमी या तेजी से हो या फिर किसी और वजह से। लेकिन अब मंदी के हालात के बीच खुदरा महंगाई दर के 16 महीने के ऊपरी स्तर यानी 4.62% पर पहुंच जाने से आरबीआई के सामने अजीब मुश्किल खड़ी हो गई। दरअसल दिसंबर में आरबीआई को कर्ज नीति की नियमित समीक्षा करनी है। ऐसे में अगर आरबीआई ब्याज दर में और कमी करता है तो महंगाई और बढ़ सकती है, यह स्थिति किसी भी तरह सरकार के लिए सुविधाजनक नहीं होगी। आरबीआई अगर ब्याज दर बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार और सुस्त हो सकती है, यह स्थिति भी सरकार के लिए सुविधाजनक नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि आरबीआई के पास क्या विकल्प है जिससे वो इस मामले में संतुलित फैसला कर सके। आरबीआई रेपो रेट घटाने या बढ़ाने के लिए खुदरा महंगाई दर और आर्थिक विकास दर पर निर्भर रहता है। आरबीआई को खुदरा महंगाई दर 4% के आसपास रखने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन महंगाई दर के 4% से ऊपर चले जाने को आरबीआई काफी गंभीरता से ले सकता है। उसके साथ ही आरबीआई को ये भी देखना है कि उसकी दर ऐसी हो जिससे विकास दर भी तेज बनी रहे। महंगाई कम करने के लिए आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देता है, इस तरह से बाजार में नकदी घट जाती है, नकदी कम होने से बाजार में मांग घटती है और इस तरह से महंगाई में कमी आ जाती है। अक्टूबर की महंगाई दर आरबीआई की 4% की सीमा से ऊपर जा चुकी है, ऐसे में आरबीआई पर महंगाई दर कम करने का दबाव बढ़ गया है। इसके चलते ब्याज दर बढ़ाने का फैसला करने पर भी आरबीआई विचार कर सकता है। उधर विकास दर बढ़ाने की कोशिश में लगे आरबीआई ने अगर ब्याज दर को बढ़ाया तो बाजार में नकदी की कमी हो जाएगी, इससे आर्थिक गतिविधियों पर असर होगा और विकास दर में और कमी हो सकती है। आरबीआई अगर ब्याज दर घटाता है तो लोग और कंपनियां ज्यादा लोन ले सकते हैं, लोगों को भी बैंकों से ज्यादा रिटर्न बाजार में पैसा लगाने से मिलता है जिससे बाजार में नकदी बढ़ती है, इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं और विकास दर में तेजी आती है। मौजूदा समय में हर तरफ आर्थिक सुस्ती का मंजर नजर आ रहा है, ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए आरबीआई के ऊपर ज्यादा दबाव ब्याज घटाने का है। आज तक ब्यूरो। बजट से पहले टैक्स रेट में बदलाव के लिए सरकार ने पहली बार सर्कुलर जारी कर लोगों और उद्योगों से टैक्स दरों में बदलाव पर सलाह मांगी है। आर्थिक सुस्ती के दौर में
टैक्स दरों में बदलाव पर सरकार का ये रुख चौंकाने वाला है। बजट में आम आदमी के लिए टैक्स से जुड़े ऐलान सबसे खास होते हैं। हर बार इसमें कमी की उम्मीदें होती हैं, खासकर चुनाव के पहले और बाद के सालों में तो सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स में कमी की होती है। लेकिन हर बार बजट भाषण का इंतजार सब्र का मीठा फल बनकर नहीं आता। कभी कभी इसमें बढ़ोतरी लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करती है। इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने अगले बजट के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशन से सुझाव मांगे हैं। हालांकि बजट की तैयारी के लिए मंत्रालय अलग अलग सेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स से चर्चा करता है, लेकिन ये पहली बार है जब रेवेन्यू विभाग ने सर्कुलर जारी करके लोगों और कॉर्पोरेट्स के लिए इनकम टैक्स रेट और एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव करने के बारे में सलाह मांगी है। 11 नवंबर को जारी किए गए इस सर्कुलर में उद्योग और ट्रेड एसोसिएशन को कहा गया है कि वो ड्यूटी स्ट्रक्चर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के स्ट्रक्चर पर टैक्स बेस दरों और उनमें बदलाव की सलाह दें। सुझाव के साथ उसका आर्थिक स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सर्कुलर में लिखा है कि आप अपने सुझाव और विचार को जस्टिफाई करने के लिए उपयुक्त आंकड़े दे सकते हैं या अपने प्रस्ताव के समर्थन में कोई और जानकारी जमा कर सकते हैं। मंत्रालय ने 21 नवंबर तक ये सुझाव मांगे हैं। इसी बीच इस टैक्स छूट पर सलाह के साथ खबर आई है कि 2017-18 के 82% असेसमेंट प्रोसीडिंग अभी तक पेंडिंग है। इन सभी को 15 दिसंबर तक पूरा ना करने पर आयकर विभाग पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। आयकर विभाग ने सलाह दी है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे आखिरी घंटे में सर्वर पर ज्यादा दबाव पड़ने की आशंका को कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो। घर खरीदारों के लिए कंज्यूमर कोर्ट का नया फैसला बड़ी उम्मीद बनकर आया है। एनसीडीआरसी ने दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने वालों को निवेशक मानने से इनकार कर दिया। एक मामले में फैसला देते हुए एनसीडीआरसी ने डेवलपर की दलील खारिज करते हुए ग्राहक को ब्याज समेत रिफंड देने के आदेश दिए हैं। लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर में अपना घर खरीदना हमेशा से एक सपना रहा है। अक्सर दिल्ली एनसीआर से बाहर रहने वाले लोग अपने बच्चों के बड़े होने पर पढ़ाई या नौकरी के लिए घर खरीद लेते हैं। कई बार तबादले की वजह से कुछ साल के लिए यहाँ रहने आए लोग पसंद आने या कम कीमत की वजह से घर खरीद लेते हैं। कुछ लोग केवल निवेश के इरादे से यहाँ घर खरीदते हैं। लेकिन हाल ही में आए एक फैसले में नेशनल कंज्यूमर कोर्ट यानी NCDRC ने दिल्ली NCR में घर खरीदने वाले किसी भी शख्स को निवेशक मानकर उसके अधिकारों से वंचित करने की मांग ठुकरा दी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम यानी कि NCDRC का जो फैसला आया है उसमें उसने ये कहा है क्योंकि किसी का व्यक्ति जो कि दिल्ली के बाहर रहता हो और उसने दिल्ली में घर खरीदा है तो सिर्फ इस तर्ज पे उसको उपभोक्ता की श्रेणी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ना कि उसको एक इन्वेस्टर के रूप में देखा जाएगा, वो उपभोक्ता ही रहेगा। एनसीडीआरसी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना लोगों का अधिकार है और उन्हें किसी भी वजह से एनसीडीआरसी जाने से रोका नहीं जा सकता। दरअसल ये मामला गुरुग्राम के एमआरस पाम गार्डन के प्रोजेक्ट का है। इस प्रोजेक्ट की घर खरीदार अनिल जैन की याचिका पर NCDRC ने 10.3% की दर से रिफंड का आदेश दिया है। ब्याज की ये दर रेरा के नियमों के तहत तय की गई है। इसमें भी साफ कर दिया गया है कि ब्याज बतौर मुआवजा दिया जाए, जिससे इस रकम पर किसी तरह की टैक्स देनदारी न बने। साथ ही याचिका दायर करने के बाद अगर ग्राहक को पोजीशन ऑफर किया जाए तो भी ग्राहक रिफंड के विकल्प को अपना सकते हैं। ग्राहक को 4 साल की देरी के बाद पोजीशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस मामले में ग्राहक को रकम 3 महीने के भीतर लौटाने के आदेश दिए गए हैं। जाहिर है इस फैसले से ग्राहकों का मनोबल बढ़ेगा और उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी। एक सिंपैथेटिक व्यू लेते हुए NCDRC ने ये भी बोला है कि हर कोई चाहता है कि वो दिल्ली की जो नेशनल कैपिटल है देश की उसके पास रहे, या दिल्ली NCR या जहाँ मेट्रो सिटीज में डेवलपमेंट हो रहा है उसके पास रहे। सिर्फ ये कह देने से कि उसका कहीं और घर है किसी और शहर में तो उसको उपभोक्ता ना माना जाए, ये गलत होगा। घर खरीदारों के साथ बरसों बरस तक डेवलपर्स मनमानी करते आ रहे थे। रेरा आने के बाद इन सब पर रोक लगी है। अब कंज्यूमर कोर्ट के भी कई फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है।
ऐसे में घर खरीदारों के साथ बेतुकी वजहों का बहाना बनाकर डेवलपर की साजिशों का पर्दाफाश करना आसान होने लगा है। आदित्य किराणा, आज तक। इसी के साथ बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।